नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं हम पकड़े दियाल प्रखंड अंतर्गत बारका गांव पंचायत में। हमारे साथ मौजूद है अभी के यहाँ वर्तमान मुखिया जी। सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले अब बहुत बहुत स्वागत है हमारे कानूनी जंग न्यूज चैनल में। स्वागत है मुखिया जी। आप जैसे चुनाव जीते हैं, अपने पंचायत में क्या कदम उठाए हैं करने के लिए? देखिए, अभी तो कोई काम नहीं है, लेकिन मनरेगा का जो काम है सरकारी, वो बहुत अच्छी तरह से हुआ है। मनरेगा के तहत आप अपने पंचायत में क्या काम करवाए हैं? नहर की सफाई हुई है और जल जीवन हरियाली के तहत कुआं का साफ सफाई हुआ है। अभी लगभग में जल जीवन हरियाली के तहत लगभग कितना कुआं? दो अभी हुआ है और दो अभी होना है। अब आपके पंचायत में लगभग कितना कुआं होंगे? लगभग 20 20 के आसपास होगा। अभी जो 20-25 में दो तीन हुआ है और उसके आगे भी करवाना है, उसका क्या प्रोसेस है? अभी होगा, आने वाले समय में सभी कुआं का होगा काम। अभी इंदिरा आवास का लगभग कितना नाम जुड़वा चुके हैं और कितना दिलवा चुके हैं? 443 है, जिसमें फर्स्ट में 88 का आया है पेमेंट। 88 का पेमेंट में कितना पब्लिक से पैसा लिए हैं आप? पैसा तो एक रुपए भी नहीं लिए, फ्री में करवा रहे हैं। हाँ, फ्री में। हमको सुनने में आया है कोई आपके जो भी हो 20,000 रुपया लिया गया है, क्या नहीं, ये बात सत्य है? अफवाह है। और आगे चलकर आप अपने पंचायत के लिए क्या सेवा कीजिएगा? देखिए, जो सरकार का निर्देश होगा उसी अनुसार से काम होगा। अब आपके पंचायत में सबसे मेन जरूरी क्या है? मेन तो फर्स्ट में जो पोखरी से जो ढाला तक नाला है, उससे बारिश में सब लोग के आंगन घर में जल जमाव का स्थिति, जल जमाव हो जाता है। बस तो जल जमाव हो जाता है तो उस नाले का निर्माण करवाना है या उसी तरह रहने देना? बस 10 दिन के अंदर में उसका काम शुरू होगा। अब आप अपने पंचायत में शिक्षा के लिए क्या सुधार लाइएगा? शिक्षा के लिए तो हमारा जो पंचायत है बहुत हेवी है, यहाँ पे बहुत लोग टीचर है, बहुत सर्विस है। अब आप अपने पंचायत में लगभग कितने प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे थे, अब में आपका कितना वोट से आप जीत प्राप्त किए? हमारे पंचायत में कुल 12 थे, उसमें हम फर्स्ट आए। लगभग कितना वोट था? हमारा वोट था 1026। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाली महापर्व रामनवमी और चैती छठ के बारे में आप अपने पंचायत वासियों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं? मैं अपने पंचायत वासियों को बहुत सारी रामनवमी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं बबलू कुमार, कैमरामैन अर्जुन जी के साथ, देखते रहिए।